स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक कल के लेटेस्ट जजमेंट की, जिसमें कहा गया कि अब बेटियां भी पैतृक संपत्ति में समान अधिकारी होंगी, मतलब वे अपनी पैतृक संपत्ति में वे अपने हिस्से की मांग कर सकती हैं, अपने हिस्से के लिए वे दावा कर सकती हैं। बहुत से लोगों को ये डाउट है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी कल जजमेंट दिया गया है, ये जजमेंट तो पहले भी दिया जा चुका है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किया गया था सितंबर 2005 में, जिसमें ये पहले ही कहा जा चुका है कि बेटियों का अब पैतृक संपत्ति में समान अधिकार होगा, बेटियां दावेदार होंगी पैतृक संपत्ति की। तो फिर कल के जजमेंट में कौन सी नई बात कही गई है, आज के इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा। अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसमें कहा गया कि बेटियों का पैतृक संपत्ति में समान अधिकार होगा, और यही बात 2005 में भी कही गई थी कि बेटियों का समान अधिकार होगा। 1956 के उत्तराधिकार अधिनियम में लड़कियों को बेटियों को हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य तो माना जाता था, लेकिन उन्हें समान उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था, और विवाह के बाद उनकी ये जो सदस्यता थी ये भी खत्म हो जाती थी। तो 2005 में जब अमेंडमेंट किया गया, तो उस अमेंडमेंट के द्वारा बेटियों को सदस्य के साथ साथ समान उत्तराधिकारी भी माना गया। समान उत्तराधिकारी का मतलब है जो चार पीढ़ियों की जो अविभाजित संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति, उसमें उनको बराबर का दावेदार बनाया गया। मतलब अब वो उस पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से के लिए दावा कर सकती थी, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये रखी गई थी कि अगर कोई लड़की ऐसी है जिसके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हो गई है, तो वो पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से के लिए दावा नहीं कर सकती, वे बंटवारे की मांग वो नहीं कर सकती है। मतलब कि जब से उत्तराधिकार अधिनियम, संशोधित अधिनियम लागू किया गया था, उसके पहले से अगर किसी के पिता की मृत्यु हो गई है, तो वो ऐसी पैतृक संपत्ति में वो बेटी दावा नहीं कर सकती थी। और कल के जजमेंट में इसी बात पे एक जजमेंट दिया गया है, एक निर्णय दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब बेटियों को जन्म से ही उत्तराधिकारी माना जाएगा। मतलब अगर उसके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले भी हो गई है, तो भी वो अपने पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से के संपत्ति के लिए बंटवारे की मांग कर सकती है, अपने हिस्से की संपत्ति की मांग वो कर सकती है, वो उसके लिए दावा कर सकती है। अब ये शर्त समाप्त कर दी गई है कि मृत्यु पहले अगर हुई है तो ऐसी बेटी संपत्ति की मांग नहीं कर सकती, दावा नहीं कर सकती। मतलब अब मृत्यु का इस संशोधित अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है, अब बेटियों को जन्म से ही संपत्ति में उत्तराधिकारी माना जाएगा। अगर बेटी की मृत्यु हो गई है, तो बेटी के जो बच्चे हैं वो अपने नाना की संपत्ति में बंटवारे की मांग कर सकते हैं, अपने हिस्से की मांग वो कर सकते हैं। ये संशोधन किया गया है, ये एक जजमेंट ये दिया गया है कल के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। संपत्ति दो तरह की होती है, एक होती है पैतृक संपत्ति और एक होती है स्व अर्जित संपत्ति। तो ये जो बंटवारे की मांग जो की जाती है वो पैतृक संपत्ति में की जाती है, न कि स्व अर्जित संपत्ति में। पिता ने जो भी खुद से कमाई है संपत्ति, जो भी संपत्ति उन्होंने खुद से बनाई है, उसके वो कानूनी अधिकारी खुद ही होते हैं, वो जिसे चाहे उसे उस संपत्ति को दे सकते हैं। तो ऐसी संपत्ति में, स्व अर्जित संपत्ति में, बेटियों का जो हक होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, उसमें वो अपने हक के लिए दावा नहीं कर सकती। अगर पिता ने वसीयत करती है तो उस वसीयत के हिसाब से ही वो संपत्ति बांटी जाएगी, और अगर पिता ने वसीयत नहीं की है तो ऐसी स्थिति में बेटी ऐसी संपत्ति में मांग कर सकती है, लेकिन वसीयत कर दी है तो वो पिता का अपना अधिकार है कि वो जिसे भी चाहे उसे संपत्ति दे सकते हैं। तो ये छोटा सा एक निर्णय दिया गया है सुप्रीम, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको जिसके लिए आपके मन में बहुत सारे डाउट थे, बहुत से लोगों के ये क्वेश्चंस थे सोशल साइट्स पे, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पड़े हुए थे कि ये तो जो अमेंडमेंट, ये जिस आप निर्णय की बात कर रहे हैं, ये निर्णय तो पहले ही आ चुका है, बेटियों को पहले ही हक दिया जा चुका है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी नई बात ऐसी कह दी है इस निर्णय में। तो आपको शायद ये वीडियो देख के
पता चल गया हो, आपकी इस समस्या का समाधान हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लेटेस्ट जजमेंट में कौन सी नई बात कही है। बात सारी पुरानी है, बस एक जो कंडीशन उन्होंने लगाई थी कि मृत्यु का एक फर्क पड़ता था कि मृत्यु अगर 9 सितंबर 2005 के पहले हुई है तो ऐसी ऐसी बेटी को संपत्ति में बंटवारे का कोई हक नहीं था, लेकिन अब मृत्यु का इस संशोधन से कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु चाहे पिता की कभी भी हुई हो, बेटी संपत्ति में पूरा हक पाएगी। अगर बेटी ऐसी है जिसका विवाह हो चुका है और किसी वजह से उसका विवाह टूट गया है, तो ऐसी बेटी अपने पिता के घर आके उसी तरह से रह सकती है जैसे बेटा रहता है। अब बेटी और बेटों को बराबर का अधिकार दे दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि बेटियां दिल से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें हक भी बराबर का दिया जाना चाहिए। बेटी और बेटे में कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इन्हीं सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को लेते हुए, इन्हीं सारे देखते हुए, इन्हीं सारे बिंदुओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को आगे भी लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।